Actor Kartik Aaryan, who made his Bollywood debut in 2011 with Pyar Ka Panchnama, says it was not that easy for him to enter in the Bollywood. Here, in an exclusive interview, Kartik not only talked about his struggle, but he also shared that he once even thought about quitting acting. क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ. वहाँ से मैं जब बॉम्बे भी आना था तो मैं वहाँ पे अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, जो कि हम लोगों को वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि मुंबई बहुत दूर है. मुंबई आना सब छोड़ छाड़ के और अपना अलग से एक्टिंग इंडस्ट्री जो आपको बिल्कुल नहीं पता जिसके बारे में, वो चीज़ों के लिए मैंने पढ़ाई का बहाना लिया. मैंने घर वालों को बोला मेरे को पढ़ना है, उसके लिए मैं दिल्ली गया. दिल्ली से मुझे लगता था ऑडिशंस का पता लग जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं लगता था. तो 2 साल वहाँ पर रहा, फिर वहाँ से मुंबई में आया. मुंबई में पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया एक कॉलेज का. वहाँ से मैं ऑडिशंस का पता करता रहता था. मैं इंटरनेट का यूज़ करता था कि उसमें, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता नहीं था, तो मैं कहीं पे कभी फेसबुक पे ढूंढने लगा, किसी ने वॉल पोस्ट डाल दिया हो कास्टिंग का, कोई कास्टिंग कॉल्स ढूंढता रहता था कहीं से पता लगे. इसी टाइम पे मैंने बीच में एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था जिसमें एक्टिंग भी सीख रहा था. तो कॉलेज छोड़ के मैं ये सब सारी चीज़ें कर रहा था. आई थिंक कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑडिशंस के लिए जाता था, पूरी तैयारी के साथ जाता था, और आपको कई बार अनफिट बोल देते थे, कई बार आपको बाहर, मतलब काफ़ी ऑडिशंस ऐसे दिए, कई बार छुटपुट इधर उधर के एड्स भी किए जो आज तक रिलीज़ ही नहीं हुए, मतलब छोटी छोटी कंपनीज़ के किए. तो वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं और पैसे नहीं होते, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको थोड़ा सा तो लगता है कि यार इससे अच्छा मैं घर चला जाऊं शायद से. एक जर्नी है मेरी खुद की, जो मेरी जर्नी है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक जर्नी होनी चाहिए. लोगों को धक्के लगने चाहिए, उनको रियलिटी चेक मिलना चाहिए. कार्तिक आर्यन विल नेक्स्ट बी सीन इन सीक्वल टू 2011 हिट फिल्म प्यार का पंचनामा. द फिल्म इज रिलीजिंग अक्टूबर 16. INS रिपोर्ट.